नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल चटपटा स्वाद। आज मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाया हूँ। रेसिपी है पनीर मसाले की, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 2 छोटे चम्मच ऑयल लिया है, गैस कर दिया है चालू। उसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, चॉपिंग हरी मिर्च, और उसे अच्छे से सौते कर देना है। उसके बाद 1 चॉपिंग किया हुआ प्याज, चॉपिंग किया हुआ टमाटर ऐड करके उसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट ऐड करने के बाद में उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है प्रॉपरली। उसके बाद ऐड करना होगा खोआ। खोआ को ऐड करने के बाद उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दे। इसके बाद आएगी पारी मसाले की, तो मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी कस्तूरी मेथी, और पनीर के क्यूब जो हमने फ्राई करके रखे थे ऑयल से, उसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में अच्छे से उसे मिक्स करना है, और येलो ग्रेवी 1/2 चम्मच उसमें ऐड करना है। दोस्तों, येलो ग्रेवी की रेसिपी मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए आपका पनीर मसाला कितना बेहतरीन बन चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। हमारा पनीर मसाला तैयार हो चुका है, अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए मैं कैसे आसानी से निकाल दे रहा हूँ प्लेट में। निकालने के बाद में इसे इसमें रोगन डालेंगे डेकोरेशन के लिए, और हरे धनिया की पत्ती। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है डिश।